तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फोर एजुकेशन नाउ। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स की जो पार्ट थ्री की वीडियो लेकर आ गए हैं, और दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली आपको जो है मैथ के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको जो ये क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो MTS में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो को पूरा देखना, साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और दोस्तों इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने जो है MTS में कैसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, दोस्तों उसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों आपको हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। और नाउ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों आज जो है 6:30 में आपको जो है कि MTS में दोस्तों जनरल अवेयरनेस यानी कि GK में जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको वो आज देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों वो वीडियो जो है 6:30 में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो इस वीडियो का, तो दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, आपको मैं इसका PDF वहीं पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सुनाओ दोस्तों, देखो इस समय हम आ गए फर्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों देखो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन जो ये आपको नंबर दिया गया ना ये वाला, इसमें से 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों आइए मैं आपको जो इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों देखो आपको याद होगा कि दोस्तों नंबर भी देखो, देखो सबसे पहले आता है हमारा वंस, फिर टेंस, फिर 100, उसके बाद आता है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख यानी कि 1 लाख, उसके बाद आता है 10 लाख, उसके बाद करोड़, और आगे जाएगा तो 10 करोड़, और वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नाउ यहाँ पे आप देख, हमसे जो पूछा गया था ना 5 की प्लेस वैल्यू, तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीन फर्स्ट में दिया हुआ, 3 लिख लिया, 2, 5, 4, 7 जो ये नंबर दिया है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। और उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 5 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको 5 कहाँ पे मिलेगा, ये आपका होगा 51, 25, 100, 10,000, यानी कि दोस्तों 5 आपको मिलेगा 10,000 के अंदर, ठीक है। 10,000, 10,000 के अंदर आपको मिलेगा 5, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप इसे 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखो ऐसे करना क्या है, दोस्तों देखो जो आपका 5 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे 5 × और यहाँ पर दोस्तों कितना 10,000 में ये है ना नंबर, 10,000 में है, तो दोस्तों हम यहाँ पर 10,000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका आएगा, सॉरी 50,000, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों मान लो यहाँ पर मान लो प्लेस वैल्यू ऑफ यहाँ पर आपको यहाँ पर 5 की जगह पर मान लीजिए 7 का पूछा होता कि 7 का प्लेस वैल्यू बताइए इस नंबर में से, तो दोस्तों देखो इसमें आपको क्या करते हैं, दोस्तों देखो अगर 7 का पूछा होता तो दोस्तों 7 कितने में आता है, ये आता है 100 में, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है इसमें ये 100 में आता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 × 7 कर देते हैं, यानी कि 700 होता तब जाके आंसर, ठीक है। पर दोस्तों हमसे जो 5 का पूछा गया ना, तो दोस्तों 5 आपका यहाँ पे आ रहा है कितना 10,000 में, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए हम इसको जो है 10,000 × 5 किए हैं, तब जाके जो हमारा करेक्ट आंसर आया है वो आपका है 50,000, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका DRDO एग्जाम में। और नाउ दोस्तों आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर देने दूंगा GK का, ठीक है दोस्तों। कल जो वीडियो आएगी ना उसमें आपको मैं बताऊंगा कि दोस्तों आखिर जो है MTS में दोस्तों वो मैथ के कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वो वीडियो जो परसों आएगी, ठीक है दोस्तों, परसों आएगी, नहीं कल आएगी, कल आएगी दोस्तों, ठीक है। कल मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चल देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन भी इसी पे बेस होगा, और दोस्तों वो भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन होगा। दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, आपको जो ये नंबर दिया गया है इसमें से जो आपको यहाँ पर जो 3 देख रहा है ना, इसका जो प्लेस वैल्यू आपको बताना है, ठीक है दोस्तों, उस सम में, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमसे जो पूछा गया है ना, तो दोस्तों उसके हिसाब से हम फिर से अपने यहाँ पे ये हम अपना चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, अगर आप बनाना चाहते हो दोस्तों आप इसे माइंड में कर सकते हो, 51, 25, 100, 10,000 ऐसे लाख, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसको इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो नंबर यहाँ पर दिया गया है ना यहाँ, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें जो 3 का पूछा गया था ना, और उसके बाद हमसे सम पूछा गया, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो हमसे जो पूछा गया 3 का, ठीक है। तो दोस्तों देखो 3 कितने नंबर पर आता है, यहाँ पे आपको एक ये 3 दिखाई दे रहा होगा और एक ये 2 3 दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक जो 3 आता है ना, एक 3 आता है आपका
3000 में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 1000 लिखा है, 1000 यानी कि 3023, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और तीन दिखाई दे रहा होगा, कितने में, ये दिखाई दे रहा होगा टेंस में। दोस्तों टेंस में एक जीरो होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो इसको भी 30 लिख लिया। तो दोस्तों हमसे क्या जो पूछा गया, क्या सम पूछा गया, यानी कि दोनों को ऐड करना है। तो दोस्तों देखो ये हमारा 3000 हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो है ये टेंस में है ना, तो ये हम इसे 30 लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 3030, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा अगर क्वेश्चन है तो दोस्तों इसे बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो यहाँ पर अगर सम के जगह पर डिफरेंस पूछा जाए ना, डिफरेंस डिफरेंस आपको बताना मेन, तो उसमें आपको माइनस करना होता है। तो दोस्तों उस अगर यहाँ पर डिफरेंस रहता तो दोस्तों 3000 माइनस आपको 13 करना पड़ता, ठीक है, तब उसका डिफरेंस निकल जाता, ठीक है। पर दोस्तों हमसे इसमें से सम पूछा गया है तो दोस्तों हम जो इसको जो इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। और नाउ दोस्तों देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बड़ी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में है, अगर आप कोई भी एग्जाम दिए तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों देखो इसमें पूछा गया दी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, यानी कि दोस्तों पाँच डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर जो बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो मैंने आप सभी के समझाने के लिए ये इतना जो है सारा कर रखा है, ठीक है। दोस्तों देखो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर और ये ग्रेटेस्ट नंबर जान लो, ठीक है। दोस्तों वन डिजिट का सबसे जो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0, ठीक है, और वन डिजिट का सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो होता है 9, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वैसे ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर और कि जैसे देखो टू डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर होता है वो होता है 10, और सबसे बड़ा होता है 99, ठीक है। और ऐसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर 3 डिजिट में चल जाओगे दोस्तों, 3 डिजिट में सबसे छोटा नंबर होता है 100, ठीक है, और सबसे बड़ा होता है आपका 999, यानी कि दोस्तों 999, ठीक है, 999, ठीक है। और दोस्तों तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया 5 डिजिट का आपको जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, और उसमें हमसे पूछा गया ना कि सम, ठीक है, यानी कि जोड़ना है, ठीक है दोस्तों, सम पूछा गया है। तो दोस्तों देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। दोस्तों देखो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा ये देख रहे हैं 9999, ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर यह होगा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार 10000, ठीक है, 99000, ये दोस्तों 99000 के आसपास है, ठीक है। और दोस्तों हमें हमसे जो यहाँ पर पूछ हमने ये लिख लिया, उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 5 डिजिट का सबसे जो है वो छोटा नंबर। तो दोस्तों छोटा नंबर क्या है हमारा, वह है यहाँ पर देखते हो इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार 10000, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों 10000, ठीक है दोस्तों। अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका ये आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर आपका क्या है, इक्कीस दहाई सैकड़ा हज़ार 10000 लाख, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो इतना जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखना था अगले क्वेश्चन में क्या है ना दोस्तों, ये जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर, यानी कि दोस्तों फर्स्ट जो 4 प्राइम नंबर हैं उनका सम आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप ये जान लो कि दोस्तों प्राइम नंबर होते क्या हैं। दोस्तों देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, या तो दोस्तों वो एक से कटेंगे, ठीक है, और नहीं तो दोस्तों वो खुद से ही कटेंगे, यानी कि इट सेल्फ, जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर आप 3 को ले लो दोस्तों 3 या तो एक से ही कटेगा, ठीक है, और नहीं तो दोस्तों 3 से ही कटेगा, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी टाइप के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट 4 प्राइम नंबर क्या आते हैं, दोस्तों देखो सबसे जो पहले आपका आएगा ना प्राइम नंबर वो होता है 2, ठीक है दोस्तों। 2 क्यों, अब आप पूछोगे 2 तो इवन नंबर है, डेफिनेटली इवन नंबर है, पर दोस्तों जो 2 है ना ये आपका 1 से कटेगा और नहीं तो दोस्तों आपका 2 से कटेगा, बाकी ये और किसी जो है नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। हमसे जो 4 प्राइम नंबर फर्स्ट पूछा गया, तो दोस्तों हम लिख लेते हैं 2 सबसे पहले, उसके बाद आएगा हमारा 3, क्योंकि 3 1 से और नहीं तो 3 से 2 ही से कटेगा। उसके बाद 5, 5 भी 1 से कटता है और नहीं तो 5 से कटेगा, और उसके बाद 7 भी 1 से कटेगा, नहीं तो खुद से यानी कि 7 से ही कटेगा। तो दोस्तों देखो
अगर हम इन सबको ऐड करेंगे ना, सबको ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा 17 यानी कि 17। तो दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपको MTS में भी आते हैं, ठीक है दोस्तों, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे, और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, इसका PDF मैं आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज जो 6:30 बजे वीडियो आएगी ना वो देखना मत भूलेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको उस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि दोस्तों आखिर जो MTS में जो है, जो MTS परीक्षा में वो GK के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो कल वीडियो आएगी ना वो भी 6:30 में ही आएगी, उसमें आपको ये जानने को मिलेगा MTS परीक्षा में जो आपका जो क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है उससे जो उसमें जो कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए बोला हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।